बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई आफ्ताब बलोच। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माह रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। आज मेरा इरादा था कि आज का जो व्लॉग है वो मैं सिंधी में बनाऊंगा। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर एक पोस्ट डाली थी, दोस्तों से सवाल किया था कि बताएं कि क्या एक दो व्लॉग सिंधी में हो जाए। तो काफ़ी दोस्तों ने कहा कि हाँ सिंधी में बनाएं। तो आज मेरा इरादा यही था कि सिंधी में बनाऊँ। फिर सोचा कि नहीं यार, काफ़ी जो मेरी ऑडियंस है वो पंजाब से या KPK से है जो कि सिंधी नहीं समझते। तो जो आज का जो व्लॉग है ये उर्दू में होगा, लेकिन नेक्स्ट जो व्लॉग होगा इंशाल्लाह वो मैं सिंधी में बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि वाकई भी कुछ व्लॉग या रेगुलर भी व्लॉगिंग सिंधी में करूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कुछ व्लॉग जो है वो मैं सिंधी में बनाऊंगा। कल से रमज़ान शरीफ स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने कोई घर की ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह भी नहीं की थी। तो अभी चलते हैं रमज़ान शरीफ के लिए जो है शॉपिंग वगैरह जो करनी है, घर के जो सल्फ सौदा वगैरह जो लेने हैं तो वो चलते हैं, वो भी लेते हैं। उसके अलावा जो भी काम हो गए वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, अभी जो है यश भाई के पास आए हैं। जितना भी आर्डर था आर्डर मैंने दे दिया। अभी भाई जो है बस वो बिल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर यश भाई बिल बना रहे हैं और ये भाई जो है ये अपने जो सामान है वो निकाल रहे हैं यहाँ से। तो भाई ने चाय मंगवा ली, चाय पी ली। तो अभी खजूर नज़र आ गई, यहाँ से खजूर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या खजूर के लिए था सर? किलो पैकेट घने जो 250 रुपये पैकेट। वजन कितने हैं? आधा किलो दे दें। एक दो एक ही दे दें आप सर। बिल और सामान मुकम्मल हो चुके, तो अभी पैक करवाएं तो फिर मैं वापसी भी लेता हूँ। ठीक है, सही से अभी चल। अच्छा जी, अभी शाह साहब के पास आए थे सूट सेंड के पास, लेकिन शाह साहब कह रहे शायद सूट तैयार नहीं है। सूट तैयार है, सिर्फ काज नहीं हो। अच्छा, काज और बटन वगैरह रहते हैं। हाँ, काज और बटन रहते हैं। तो कितनी देर में ये? आधे घंटे में तैयार होगा। आधे घंटे में, चलो ठीक है, आप तैयार करें फिर मैं ले जाता हूँ। ठीक सर, थैंक यू। अच्छा, अभी मैं एक ऐसे बंदे के पास आया हूँ, शायद आपने उससे मेरे व्लॉग में देखा है लेकिन पाँच सात महीनों से शायद ना देखा हो। तो अभी आपको उससे भी मुलाकात करवाते हैं, पहचान लिया होगा शायद। अभी हाथ हिला दें आप। शफकत भाई काफ़ी टाइम के बाद ही हमारे व्लॉग में है, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से खुद भी नहीं आया था। आपको याद होगा लास्ट व्लॉग हमने बनाया था जब ये शॉप, इसकी जो शॉप थी उस टाइम इसका ये काम करवा रहे थे। माशाल्लाह से अभी तो मुकम्मल आप देख सकते हैं, किराने की शॉप बना ली है। तो मिलते हैं इनके साथ कुछ देर, बैठते हैं, बात वगैरह भी करते हैं। बिल्कुल, बस मसरूफियत इतनी थी। तो आज माशाल्लाह से आए हैं आपके पास। आप सुनाए कारोबार का? माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत मेहरबानी की आपने टाइम निकाला वो भी 6 महीनों के बाद। हमारे गरीब नहीं, मुलाकात होती रही, मुलाकात होती रही व्लॉग में, आप काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मुलाकात होती रही ये व्लॉग में, यानी कि आज ही ये आए। वैसे ये व्लॉग में मैंने लाने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं मानते, तो आज माशाल्लाह से ठीक है, तो हमारे व्लॉग में आए हैं। अच्छा जी, काफ़ी टाइम तक शफकत भाई के पास बैठे हैं, तो अभी हमने गाँव जाना है, भाई से लेते हैं इजाज़त। सर मेहरबानी सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया। ठीक है भाई जान, यहाँ पर जट साहब भी बैठे थे माशाल्लाह, इनके साथ भी बैठे काफ़ी देर तक बात किए, बहुत मज़ा आया भाई के साथ। ठीक है भाई जान, थैंक यू।